हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि होने वाला है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अदर डिसिप्लिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आने वाले समय में भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिसंबर में ही आ सकता है, आने वाले समय में भी आ सकता है। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और दिसंबर के लिए हम लोगों ने नोट्स रेडी कर रखा था, जून के लिए भी तकरीबन कुछ एक दिनों में कुछ और एक क्वेश्चन उसमें ऐड करके वो जो है रेडी हो जाएगा। तो जिनको भी नोट्स की आवश्यकता है, आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, 8101065300। इसके साथ ही साथ नोट्स असाइनमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो लोग नोट्स लेंगे उनको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। जो लोग असाइनमेंट्स अभी लेंगे उनके अमाउंट को भी बाद में जब आप नोट्स लेंगे तो वहां पे उसको एक तरीके से यू नो मैनेज कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा नोट्स के प्राइस से। तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी कि दोनों ही चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। असाइनमेंट्स आपके लिए एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आपको टॉपिक पढ़ के समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप हमें बताना है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और अदर डिसिप्लिन्स का। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि कॉमर्स जो होता है, कॉमर्स में सिर्फ कोई एक चीज नहीं होती, कॉमर्स में सब कुछ होता है। इंश्योरेंस होता है आपका, यू नो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है आपका, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, यू नो सारी की सारी चीजें तकरीबन होती है। सारी की सारी चीजें जो है आपस में इंक्लूडेड होती है, बैंकिंग की चीजें होती है, तो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है ना। तो उसी तरीके से जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम एक टॉपिक कभी करने वाले हैं, ये हमारा जो MCQ 21 है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इसमें बाकी के सारे सब्जेक्ट जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है या उनका एक टच है इस सब्जेक्ट में, ये बात यहाँ पे आपको बताने के लिए बोली गई है। यही बात आपको जो है एक्सप्लेन करनी है, तो इसको हम एक एक करके करेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज लिंक्ड विद वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी लाइक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स आ गया यहाँ पे, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो कि एक तरीके से इंक्लूडेड होती हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी। तो सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। तो जैसा कि आपने लाइक 11th 12th में पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो थोड़ी छोटे लेवल पे होती है, वहाँ पे नेशनल लेवल पे बात नहीं की जाती, वहाँ पे यू नो डिमांड सप्लाई इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी बात होती है, बेसिक जो इकोनॉमिक्स होता है वहाँ पे बात होती है। फिर मैक्रो में हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, GDP, नेशनल इनकम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी है, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें हैं। तो चलिए फिर एक एक करके पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एज स्टेटेड इन द इंट्रोडक्शन, द रूट्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्प्रिंग फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, ये तकरीबन यहीं से जो है आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, जो बेसिक लेवल है ना इकोनॉमिक्स का, वो आपका जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से ही स्टार्ट होता है, है ना। तो वो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। प्राइस थ्योरी, डिमांड कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज्ड बाय मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, है ना। तो ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, प्राइस थ्योरी आपने पढ़ा था, डिमांड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई वगैरह, सारी की सारी चीजें, थ्योरीज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। इसको हम डिटेल में करेंगे जब इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी वीडियोस बनेंगी, तो इन टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से डिटेल में किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मिल करके माइक्रो इकोनॉमिक बनाती हैं, इसका थ्योरी क्रिएट करती हैं, और इसी को हम लोग जो है माइक्रो यू नो इकोनॉमिक्स मैनेजरी इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इट हैज एन अप्लाइड बायस एज इट अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरी इन ऑर्डर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्राइजेस। तो किसी भी एंटरप्राइज की जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनका जो है एक तरीके से परेशानी से उनको निकालने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है हम इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है माइक्रो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, इन सारी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का, रियल जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है किसी भी एंटरप्राइजेस को उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब चले आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पे, ठीक है ना। सो दिस फील्ड हैज अ लिटिल रिलेवेंस फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बट एट लीस्ट वन पार्ट ऑफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, दैट इज नेशनल इनकम फॉरकास्टिंग, ठीक है ना। तो इसका जो है एक तरीके से थोड़ा ही रिलेवेंस है, ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले। दिस फील्ड हैज अ लिटिल रिलेवेंस फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, लेकिन है, थोड़ा रिलेवेंस तो है, लेकिन एटलीस्ट एक छोटा सा हिस्सा,
एक छोटा सा हिस्सा मैक्रो इकोनॉमिक में जो हमारा नेशनल इनकम फॉरकास्टिंग है, ये एक हिस्सा जो है जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। द लैटर वुड बी एन इम्पॉर्टेंट एड टू बिजनेस कंडीशन एनालिसिस। तो ये जो वर्ड जो लैटर है, आई मीन जो ये आपका जो टॉपिक है नेशनल इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही बड़े लेवल पे बड़े स्केल में होता है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए हम बिजनेस कंडीशन जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं, विच इन टर्न कुड बी अ वैल्यूएबल इनपुट फॉर फॉरकास्टिंग द डिमांड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्रुप्स, जो कि हमें इस बात में फायदा पहुंचाता है, ये फॉरकास्टिंग करने में फायदा पहुंचाता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो ग्रुप है उसकी अगर डिमांड बढ़ेगी या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसको फॉरकास्टिंग करने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है ना, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। अगला है ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च इकोनॉमिक्स में अगर ऑपरेशन रिसर्च ना हो तो ये तो अधूरा है, ठीक है ना। सो दिस फील्ड इज यूज्ड इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, है ना। तो ये फील्ड जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ये पता कर सकें जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है उसमें से बेस्ट कौन सा है, जो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उसमें से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ ग्रेट एड इन डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री एज इट कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक डिटरमिनेशन ऑफ फैसिलिटीज ऑन मशीन शेड्यूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज एंड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है ऑपरेशनल रिसर्च में ना, जो प्रोग्रामिंग होती है वो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा एक तरीके से, जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे, जब आप किसी टॉपिक को लेकर के डिसीजन मेक करोगे कि क्या हमारा जो है डिसीजन होना चाहिए इस टॉपिक को लेकर के, है ना। तो उस चीज में लीनियर प्रोग्रामिंग जो है काफी ज्यादा हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है, देखो यहाँ पर डिटेल में बताया गया, एज इट कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक डिटरमिनेशन ऑफ फैसिलिटीज और मशीन शेड्यूलिंग। मशीन शेड्यूलिंग में किस तरह की फैसिलिटीज का आपको इस्तेमाल करना है इसको डिटरमाइन करने के लिए ये ऑपरेशन रिसर्च का जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये आपको काम आ जाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में, है ना, जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको आप किस तरीके से मिक्स करोगे कि जो आपको जो आपका आउटपुट है, जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो आपको ऑप्टिमम लेवल पे मिल पाए, इस चीज को करने के लिए भी ऑपरेशन रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम एक एक करके ना इकोनॉमिक्स के सारे प्रोसेस को कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग यही करते हैं, आप हम ऑपरेशन रिसर्च करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर ऑपरेशन रिसर्च करते हैं, फिर उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग लेते हैं, है ना, कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या अवेलेबल है, इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। नाउ सो हम डिसीजन थ्योरी की ही बात करने वाले हैं। तो डिसीजन थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड टू डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी वेयर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फिगर्स रिक्वायर्ड फॉर यूटिलिटी कैलकुलस आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्या बोला गया कि डिसीजन थ्योरी को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि हम जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस निकल करके आता है कि आपको किसको चूज करना है, किस क्या आपका चॉइस होगा, है ना, किस चीज को आपने लेना है, किस चीज को नहीं लेना है, ये जो डिसीजन मेकिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस निकल करके आता है उसको दूर करने के लिए डिसीजन थ्योरी का एक तरीके से उसको डेवलप किया गया था। और ये तभी किया जाता है जब हमारे पास अनअवेलेबिलिटी होती है किस चीज की, यू नो यूटिलिटी कैलकुलस की। अगर ये हमारे पास अनअवेलेबल होगा, अगर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको डिसीजन थ्योरी का हेल्प लेकर के आपको अपने डिसीजन मेकिंग को पूरा करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो बोला गया है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जहां पे आप सर्टेन नहीं हो कि आपका डिसीजन सही होगा या गलत होगा, आपको डर लग रहा है कि आपका डिसीजन कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में अनसर्टेनिटी के केस में, या फिर जहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, है ना, यूटिलिटी कैलकुलस आर नॉट अवेलेबल, जब ये अवेलेबल नहीं होता है तो उस केस में हम डिसीजन थ्योरी का हेल्प कर लेकर के हम अपने डिसीजन मेकिंग को पूरा करते हैं। ठीक है ना, एक लाइन और है, देख लेते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस ऑफ अ सिंगल गोल, वेयर एज डिसीजन थ्योरी ब्रेक्स न्यू ग्राउंड्स बाय रिकॉग्नाइजिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ गोल्स एंड परसुएसिवनेस ऑफ अनसर्टेनिटी इन द रियल वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक थ्योरी एक तरीके से किसी एक सिंगल गोल को एक तरीके से मान करके जो है उसके ऊपर अजम्पशंस तैयार करती है, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना होता है। लेकिन अगर आप डिसीजन थ्योरी ऑफ डिसीजन का इस्तेमाल करेंगे, डिसीजन थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपको मल्टीपल यू नो ऑप्शंस दिखेंगी, मल्टीपल गोल्स आपको दिखेंगे, जिस यहाँ पे आप अपनी अनसर्टेनिटी को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हो। अभी के टाइम में मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है डिसीजन मेकिंग वाली। ठीक है, तो उस चीज को दूर करने के लिए, उस चीज जो अनसर्टेनिटी है उसको एक तरीके से दरकिनार करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो है थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के बगैर तो इकोनॉमिक्स पूरा है ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें की हुई है, हम लोगों ने ग्राफ किया हुआ है, बार ग्राफ किया हुआ है, लीनियर यू नो ग्राफ होता है वो हम लोगों ने किया हुआ है, हम लोगों ने मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल डेविएशन यू नो स्क्यूनेस किया हुआ है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो स्टैटिस्टिक्स में की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल जो है वो भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा होता है।
चलो फिर स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन एम्पिरिकल टेस्टिंग ऑफ थ्योरी। जो भी थ्योरी आप बना रहे हो उस थ्योरी को आप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे करोगे विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। अब सिर्फ फिगर लेने से नहीं होगा, उन फिगर्स के ऊपर फॉर्मूलाज भी आपको बैठाने पड़ेंगे ताकि आप अपनी बात को रख सको, है ना, आप उसके बेसिस पे जो है डिसीजन ले सको। तो उस चीज में स्टैटिस्टिक्स काफी काम जो है आपके आता है। विद इट्स हेल्प बेटर डिसीजन रिलेटिंग टू डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शंस, आप जो है अच्छा बेहतर डिसीजन ले सकते हो आपके डिमांड और कॉस्ट फंक्शन को लेकर के विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी आपको डिसीजन लेना है, यू नो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी आपको डिसीजन लेना है, तो उस केस में आपको स्टैटिस्टिक्स काफी हेल्प करेगा, ठीक है ना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पे बोला भी गया है कि हेवीली एक तरीके से डिपेंडेंट होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ऊपर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट थ्योरी एंड अकाउंटिंग, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन मैनेजमेंट थ्योरी बहुत जरूरी है, देखो यहाँ पे अकाउंटिंग भी आ गया, है ना, ये सारी चीजें भी जरूरी है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको करनी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ लिया या फिर आपने सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ लिया तो आपको कॉमर्स आ गया। कॉमर्स में सारी चीजें हैं और थोड़ा थोड़ा आपको सभी में टच करना होता है और सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ ना कुछ हद तक जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। नाउ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हैज बीन रिगार्डेड, इसको मैंने यू नो बोल्ड नहीं कर पाया हूँ, तो ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, इसको समझ लो, ये अगला पॉइंट है ये, ठीक है ना। मैनेजमेंट थ्योरी एंड अकाउंटिंग, ये आपका अगला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स के बाद, ठीक है। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हैज बीन रिगार्डेड एज अ सेंट्रल पार्ट सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द थ्योरी ऑफ द फर्म इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के केस में जो मेन जो फंडा होता है, जो मेन एक तरीके से क्या बोलेंगे, जो मेन उनकी चाहत होती है, जो वो करना चाहते हैं, वो यही होता है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी का वो यही है कि आपको अपने प्रॉफिट को किसी तरीके से मैक्सिमाइज करना है। सो इन रिसेंट ईयर्स ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज हैव टॉक्ड अबाउट सेटिस्फाइंग इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। अब ये क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला बात तो ये बोला जा रहा है कि रिसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि अभी हम कोशिश करने की ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने नीड्स को और कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर हमारा ध्यान है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे हम डेफिनेटली अपने कस्टमर्स को अपने कंज्यूमर्स को हम खुश नहीं रख पाएंगे। और उनको खुश रखना लॉन्ग टर्म में बहुत जरूरी है। कोई बंदा आपके पास दोबारा तभी आएगा जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, राइट। तो उस चीज के लिए अभी के टाइम में रिसेंट टाइम में जो है देखा जा रहा है कि जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका ध्यान ज्यादा से ज्यादा जो है सेटिस्फाइंग के ऊपर है, है ना, लोगों को सेटिस्फाई करने के ऊपर है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के ऊपर है। पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी चलता रहेगा। एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज अकाउंटिंग डेटा एंड स्टेटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ये हम लोगों ने 11th 12th में किया हुआ था जब हम लोग साइकिल करते थे कि किस तरीके से जो अकाउंटिंग डेटा है वो एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के रूप में काम करता है। अगर आपको बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो कोई आपको मुंह से बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझना चाहोगे भी नहीं, आप बोलोगे भाई डेटा दिखाओ मुझे, तो वो डेटा हमें कौन प्रोवाइड करेगा, वो डेटा हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगी। अगर अकाउंटिंग होगी ही नहीं तो डेटा आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो अकाउंटिंग डेटा है, जो स्टेटमेंट्स होता है, वो एक तरीके से लैंग्वेज के रूप में काम करता है बिजनेस के लिए। In fact, the link is so close that managerial accounting has developed as a separate and a specialized field in itself. है ना? और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना मतलब जरूरी हो गया है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग को लेकर के उन लोगों ने एक अलग से ही ब्रांच निकाल दिया है। आप लोगों ने, हम लोगों ने किया था ना, अकाउंटिंग किया था, कॉस्टिंग किया था, कॉस्टिंग में बहुत सारी चीजें थी, फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने किया, मैनेजरियल अकाउंटिंग आपने किया, तो वो एक अलग ही टॉपिक हो गया। मैनेजरियल वाली जो अकाउंटिंग होती है उस टॉपिक को उन लोगों ने अलग ही कर दिया है कि इसको हम लोग अलग से करेंगे, है ना। तो यहाँ वही भी लिखा हुआ है कि हैज डेवलप्ड एज अ सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड इन इटसेल्फ। ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है और ये इसके साथ इतना जुड़ा हुआ है डिसीजन मेकिंग के साथ कि इसको एक अलग से यू नो सेपरेट और एक स्पेशलाइज्ड फील्ड जो है बना दिया गया है। और अभी नहीं, ये काफी पहले हुआ है और ये अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था हमारा आज का। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहां पे मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और अदर डिसिप्लिन्स के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। और हाँ, नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, असाइनमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नोट्स एक्चुअली कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ एक दिनों में, 15 जनवरी तक मैं कोशिश करूंगा कि रेडी कर दूं, नोट्स अवेलेबल करा दूं जून वाले एग्जाम के लिए। जिनको भी चाहिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे जो कि है 8101065300। नंबर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।